this suffering has a direct relationship with our consumption. Production में आपने carbon footprint सुना होगा, उसी तरह suffering footprint भी होता है। कुछ भी आप प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए कहीं पे कोई ना कोई सफर करता है, बेशक वो हमें दिखे ना। हर जगह हम किसी ना किसी का हैबिटेट डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब मेरे को ये रियलाइजेशन हुई थी ना, तो आई थॉट आई शुड किल माई सेल्फ, बट देन आई थॉट अ बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन इज टू लिव इन द सिस्टम, रिड्यूस सफरिंग एंड गो द अदर वे। My name is Robin Singh and I'm one of the co-founders of People Farm. People Farm is an animal rescue and an awareness organization where we help animals heal and also be heard. I didn't have any friends growing up, but we had a computer at home. So वहाँ से मेरा programming का शुरू हुआ। शादी कर ली, अमेरिका भी चले गए, घर है हिस्टोरिक नेबरहुड में, सब है, और तब भी तुम खुश नहीं हो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये जो हमें जीने का टेम्पलेट दिया गया है ना, ये फ्लॉड है। लोरेन वॉज दिस रियली ओल्ड एनीमिक लेडी, शी वॉज ब्रोक, और वो 40 से 60 स्ट्रे डॉग्स की हेल्प कर रही थी। वो रेस्टोरेंट से खाना वगैरह जुटन इकट्ठा करती थी और उनको देती थी। तो जब मैं उनसे मिला ना, तो मेरी जो लाइफ की फिलॉसफी है वो कंप्लीट हो गई। क्विकली ये समझ में आ गया कि भाई एक 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 जानवर की आप कितनों की मदद कर लोगे। अगर आपको एक लास्टिंग चेंज चाहिए तो लोगों की सोच में बदलाव लाना होगा। और वहां से पीपल फार्म का एक आइडिया आया। अब आप किसी जानवर को पकड़ने जा रहे हो तो वो आपको देख के भागता है। दिस इज रियली चैलेंजिंग, बिकॉज व्हेन वी स्लिप अप एंड वी डू, वी लूज लाइफ। हमने शुरू किया, हमने हजारों जानवरों की मदद करी है। ये तभी मुमकिन है क्योंकि हमारी टीम डेडिकेटेड है एंड दे आर विलिंग टू पुट देमसेल्व्स एट रिस्क टू हेल्प एनिमल्स। जो लोग हमसे सोशल मीडिया पे जुड़े, जो इन जानवरों की कहानियां देखते हैं, उन्होंने कॉल करना शुरू कर दिया, भाई हमें गाय दिख रही है जिसको चोट लगी हुई है, डॉग है जिसको चोट लगी हुई है। तो उनके दिमाग में जो एम्पैथी की किताब थी ना, वो अब निकल के टेबल पे आ गई। आई डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू मूव द पॉइंटर जस्ट थोड़ा सा आगे।